लखनऊ में एक लड़की का 12 सितंबर को देर रात कार सवार युवकों द्वारा पीछा करने का मामला सामने आया है। ये खबर है लखनऊ के विभूति खंड की, जहां रात के करीब 3 बजे एक लड़की का पीछा कार सवार युवक कर रहे थे। लड़की भागते हुए पास में स्थित एल्डिको एलिगेंस अपार्टमेंट पहुंची, वहां तैनात गार्डों से मदद मांगी, तो वहीं गार्डों ने लड़की को सुरक्षित परिसर के अंदर ले गए और गेट पर ताला लगा दिया। सूचना पर RWA के पदाधिकारी व विभूति खंड पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसी अपार्टमेंट में पूर्व DGP AK जैन भी रहते हैं। उनके कहने पर पुलिस ने लड़की को परिजनों के हवाले कर दिया, हालांकि परिजनों ने कार्रवाई की कोई मांग नहीं की है। तो वहीं गार्ड से इस मामले की पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को रात के करीब 3 बज रहे थे, मैं एल्डिको एलिगेंस अपार्टमेंट के गेट पर ही बैठा था, तभी एक युवती भागते हुए पहुंची, हम लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी, मैं लड़की को अपार्टमेंट के अंदर ले गया। सुबह 5:30 बजे के करीब RWA के पदाधिकारी और पुलिस को सूचना दिया। आपको बता दे, लड़की से भी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह एक ब्लॉगर है, प्लोसियो मॉल में पार्टी के लिए आई थी। पार्टी में देर होने पर विभूति खंड स्थित फ्लैट पर जा रही थी, उससे पहले वह निजी स्टोर पर खरीदारी करने के लिए पहुंची। युवती ने स्टोर के पास कार खड़ी की और खरीदारी करने के लिए चली गई। बाहर निकली तो काली और सफेद कार में बैठे युवक छेड़छाड़ करने लगे। लड़की डर के तेजी से चलने लगी तो वो पीछा करने लगे। इस पर युवती भागने लगी। करीब 0.5 किलोमीटर दूर स्थित एल्डिको एलिगेंस अपार्टमेंट पहुंची। उसने देखा कि गार्ड बैठे हुए हैं। सड़क पार करके उनसे मदद मांगी और वह तुरंत अंदर ले गए। इसके बाद दोनों कार अपार्टमेंट के बाहर से कई बार निकली, लेकिन युवती को सकुशल बचा लिया गया। हालांकि DCP पूर्वी प्राची सिंह ने बताया, ऐसी कोई घटना CCTV में कैद नहीं हुई है। इसके अलावा लड़की की मां से बात हुई तो उन्होंने भी इनकार किया है। पड़ताल की जा रही है, तहरीर मिलते ही तो कोई कार्रवाई की जाएगी।